दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही असरदार 100% काम करने वाला प्राचीन काल से चलता आ रहा घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जिससे आप सिर्फ 5 मिनट में दांत दर्द से छुटकारा पा लेंगे। तो दांतों में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लग जाना या फिर दांतों की सफाई सही तरीके से नहीं करना, मुंह में बैक्टीरिया हो जाना, दांतों के बीच में खाना फंसे रहना और ठीक से ब्रश ना करने से फिर सो जाना और धीरे धीरे वो जगह बना लेता है, सड़न पैदा करता है दांतों में और दांतों में दर्द धीरे धीरे आने लगता है, मसूड़े फूलने लगते हैं। तो जिनके दांत में दर्द नहीं है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि दांत का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है, रात में भी हो सकता है और किसी को हो सकता है। तो तुरंत हम डॉक्टर के यहाँ नहीं जा सकते, और अगर डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं तो वो लंबा चौड़ा लिस्ट दे देते हैं, छोटा छोटा चीज़ में वो डायरेक्ट रूट कनाल करने की सलाह देते हैं, जो काफ़ी पीड़ादायक होता है। और दांत का दर्द दोस्तों इतना ज़्यादा असहनीय होता है कि कनपट्टी दुखने लगता है, सिर दुखने लगता है। सरल भाषा में मैं समझाऊं तो पेट दर्द से भी ज़्यादा तकलीफदेह होता है दांत दर्द। आप सो नहीं सकते हैं और इतना पीड़ा बढ़ जाता है कि फिर आप रोने भी लगते हैं। शिशु हो, बच्चे हो, बड़े बुजुर्ग, सभी के लिए ये उपाय है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस घरेलू नुस्खा को करने के लिए हमें चाहिए एलम यानी फिटकेरी। तो दोस्तों बाजार में आपको 100 रुपये किलो मिल जाएगा फिटकेरी, किसी भी बंसारी की दुकान में, किराने की दुकान में मिल जाएगा। इसे कहते हैं ओरिजिनल फिटकेरी। आपको सुपरमार्केट में या फिर जनरल स्टोर में एक टिकिया मिलेगा जिसे आफ्टर शेव के रूप में जाना जाता है, वो ओरिजिनल फिटकेरी नहीं है, वो स्क्वायर में साबुन के शेप में रहेगा। तो अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही कम असर करेगा, इसलिए जब भी आप दांत दर्द के लिए इस्तेमाल करें तो असली फिटकेरी यानी इस तरीके का बिना मिलावट वाला फिटकेरी ही लें। इसके बहुत सारे गुण हैं, फिटकेरी के फायदे के बारे में मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया है, लिंक दे दूंगी दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। ये एक तरीके का सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र जितना वर्क करता है, आप कहीं से भी आए 20 सेकंड तक इसको रगड़ लें तो आपके हाथ से सारे कीटाणु मर जाएंगे, और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते करते अल्कोहल रहता है उसमें, हाथों में रैशेस पड़ने लगे हैं, तो मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण बात को भी शेयर करना चाहिए। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमें फिटकेरी का किस तरीके से दांत दर्द में इस्तेमाल करना है। पहला तरीका, लीजिए हल्का गुनगुना पानी, इसमें आपको डालना है फिटकेरी। या तो आप इस तरीके से तोड़ ले किसी भी चीज़ से, और इसे आप 30 सेकंड के लिए, बस 30 सेकंड के लिए पानी में डाल दें इस तरीके से। देखिए मैंने डाला, और जब 30 सेकंड हो जाए तो चम्मच से बाहर निकाल लें। गुनगुना पानी में ही हमें करना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा टुकड़ा देखिए पाउडर बना लें कूट करके, और सिर्फ 1/4 छोटी चम्मच, इतना सा, बस इतना सा पानी में डालें, मिला लें, तो कलर आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गया है। और इसमें बहुत ज़रूरी है डालना 1/4 छोटी चम्मच, देखिए बस इतना सा सेंधा नमक, जिसे व्रत का नमक बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रॉक सॉल्ट, और उर्दू भाषा है इसका लाहौरी नमक। तो ये डालना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, हर तरह का मुंह का दुर्गंध दूर करेगा सेंधा नमक और फिटकेरी, दांत दर्द से आराम मिलेगा। इसे आपको मिला लेना है। अब इसे आपको कुल्ला करना है, तो कुल्ला किस तरीके से करना है वो भी मैं बता देती हूँ। आपको मुंह में लेना है, बिल्कुल भी पानी गले के अंदर यानी कंठ के अंदर ना करें। एक घूंट पानी लें और मुंह में 30 सेकंड के लिए रोकें, और उसके बाद फेंक दें। फिर से कुल्ला करें, मुंह में लें पानी और 30 सेकंड के लिए मुंह में रखें और फिर फेंक दें। ऐसे करते करते आपको पूरा ग्लास खाली करना है, बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा आपको, मेरा यकीन मानिए। इसके बाद आपको दूसरा उपाय जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। फिर से हम फिटकेरी का पाउडर लेंगे,
एक छोटा बाउल या चम्मच ले लें और उसमें डालिए, देखिए बस इतना सा, एक चौथाई छोटी चम्मच फिटकरी पिसा हुआ। साथ ही में डालें एक चौथाई छोटी चम्मच सरसों का तेल। ये गरम नहीं है दोस्तों, कच्चा सरसों का तेल है और सरसों का तेल ही हमें इस्तेमाल करना है, बस इतना सा। तो कितना आसान सरल तरीका है और मेरी गारंटी है सिर्फ 5 मिनट में आपको धीरे धीरे दाँत दर्द दूर होने लगेगा। तो अगर दांत सड़ चुका है, कीड़ा लग चुका है दोस्तों, तो वो तो आपके दांत के बहुत अंदर यानी आपके मसूड़ों के नसों को छू लिया है, तब तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। सफाई अंदर तक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीड़े अंदर भर जाते हैं। लेकिन अगर आपको हल्का इन्फेक्शन है या आप दांत दर्द से 2 से 4 दिन के लिए राहत पाना चाहते हैं कि पहले हम राहत पा लेते हैं उसके बाद में डॉक्टर को दिखाएंगे, तो ये कर सकते हैं और छोटे बच्चे को तो ज़रूर करवाएं। तो देखिए ये सरसों के तेल में हमने फिटकरी को मिला लिया है, तो अब आपको इसे लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे मैंने रुई लिया है, यानी हमें कॉटन लेना है और इसे इस तरीके से रुई के छोटे फाक को हमें तेल और फिटकरी में भिंगो लेना है और जहाँ सड़न है यानी दर्द है नस में, है ना, उस दांत के नीचे हमें तेल फिटकरी वाले रुई को, जैसे ये दांत है ना दोस्तों और यहाँ पे सड़न है, हमें इस तरीके से दांत के बीच में दाब लेना है और दूसरे दांत को इसके ऊपर रख देना है, यानी हमें मुंह को बंद कर लेना है, है ना, और इसी तरीके से रहने दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे नस के अंदर जाएगा, आपका दर्द धीरे धीरे शांत हो गया। तो कितना आसान है, बस इसका मुंह में जो भी लार बनता जाएगा आपको उसे घोटना नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा आपको फेंकते जाना है, थूक को आपको निगलना नहीं है, थूक फेंकते जाइएगा। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका कैसा लगा। दांत दर्द दूर करने के और भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं लेकिन ये सबसे असरदार है, आप इसे ज़रूर करें। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये अपना कमेंट बॉक्स में अनुभव ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक इसका उपयोग कर सकते हैं। घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाइए ताकि मैं इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाती रहूँ। मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।